हिमाचल प्रदेश, अ डेस्टिनेशन फॉर ऑल सीजन्स एंड ऑल रीजन्स, एज स्टेटेड बाय द इनक्रेडिबल इंडिया टूरिज्म वेबसाइट. सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज, इट इज नोन एज देवभूमि, द लैंड ऑफ द गॉड्स एंड गॉडेसेस, एंड वीरभूमि, द लैंड ऑफ द ब्रेव. दिस नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख टू द नॉर्थ, पंजाब टू द वेस्ट, हरियाणा टू द साउथ वेस्ट, एंड उत्तराखंड टू द साउथ ईस्ट. द स्टेट ऑल्सो शेयर्स एन इंटरनेशनल बॉर्डर विद तिब्बत ऑटोनोमस रीजन इन चाइना. हिमाचल प्रदेश हैज़ वन ऑफ द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड. एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हाइड्रोपावर एंड टूरिज्म आर मेन सोर्सेज ऑफ द स्टेट्स इकोनॉमी. द पेरिनियल क्रिस क्रॉसिंग रिवर्स कवर्स द एंटायर हिमालयन माउंटेन रेंज एंड ग्लेशियर्स फॉर्म द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ दिस स्टेट विच आर फेड बाई रेन एंड स्नोफॉल. This is the lifeline of people living here. However, in the past few years, the landscape is changing. Due to climate change in the Himalayan region, the summers have been unkind, and frequent unexpected cloudbursts have been devastating the region, severely affecting the horticulture sector. The entire mountain ecosystem is witnessing a drastic change in snow and rain patterns, combined with a disproportionate rise in temperature, which is posing a real threat to fresh produce, especially the apple production in Himachal Pradesh. मौसम में तो बहुत बदलाव है जी. देखो लास्ट 2010 में शायद हमारे हिमाचल में 6 करोड़ बॉक्सेज हुए थे एप्पल के, तो आज की डेट में घटते हम बढ़ नहीं रहे, हम हमेशा ही लूज कर रहे हैं. तो आज इस साल तो क्रॉप फिर भी अच्छी है, तो हिमाचल में जो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो इस साल लगभग 4 करोड़ पेटियों का अनुमान लगा रहा है कि 4 करोड़ बॉक्सेस रहेंगे इस बारी. तो ये हर साल ही कम ही हो रहा है कि हम बढ़ नहीं रहे हैं. इस साल 5-6 साल में सबसे हाईएस्ट क्रॉप इस साल है, क्योंकि पिछले साल तो बिल्कुल ही ऑफ था कि मैक्सिमम लोगों के बहुत कम थे ऑल ओवर किन्नौर हिमाचल. इस साल बहुत ज़्यादा है, 5 साल का हाईएस्ट होना है इस साल. तो इस साल थोड़ा सा पता नहीं मौसम ने ठीक साथ दिया फ्लावरिंग टाइम में, तो इसका क्रॉप अच्छी है. हाँ, बाकी टाइम तो 4-5 साल से तो फसल बहुत कम था, जिस हिसाब से पहले होता था ना बिल्कुल ही कम था. वेदर में हम लोग 3-4 चीज़ों को स्पेसिफिकली हम लेकर चलते हैं, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशन है, और भी कई पैरामीटर्स है. स्पेसिफिकली 3-4 पैरामीटर्स बेसिकली हम इसी के ऊपर काम करते हैं. लॉन्ग टर्म में अगर बात करें तो पिछले 30 सालों का डाटा हमने इसमें कलेक्ट किया है. 30 साल के डाटा में 1991 से लेकर 2020 तक हमने ये इसमें काम किया है, तो डिकेड वाइज भी हमने एनालिसिस किया है. तो 3 डिकेड में अगर हम देखें तो पर्टिकुलरली ईयर वाइज तो इतना इसमें फ्लक्चुएशन आई नहीं है, बट हम जब एक डिकेड की बात करते हैं, 10 ईयर्स की बात करते हैं, तो इन वेदर इवेंट्स में काफ़ी ज़्यादा हमने फ्लक्चुएशन देखने को मिली है, जो कहीं ना कहीं एप्पल प्रोडक्टिविटी को हार्म कर रहा है. टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, लगभग 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईयर इंक्रीज़ करता जा रहा है. तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये कहीं एप्पल की चिलिंग रिक्वायरमेंट को कहीं ना कहीं हार्म करती है. वेदर इवेंट्स में एक हेल भी हमारे पास एक कंसर्न आता है, क्योंकि देखने को मिलता है कि एटलीस्ट 20-30% जो हमारी ईयरली की क्रॉप होती है एप्पल की वो हेल्स डिस्ट्रॉय कर देता है. अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय द स्टेट सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज शिमला एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन अहमदाबाद, the area under snow cover in the state has declined by 18.5% between 2019-20 and 2020-21. Climate change में अभी recently हमने 2-3 सालों में यही देखा है कि जैसे बेमौसम बर्फ बारिश होती है, तो उससे कुछ issues हैं. और इसी साल का अगर हम देखें तो वैसे ऐसा होता था कि लोगों ने सारा कुछ सीजनल सेट कर रखा होता था कि हाँ इस टाइम प्रूनिंग करना है, इस टाइम स्प्रे करना है, इस टाइम फ्लावरिंग होगा और तुड़ान इस समय करना है, इस तरह से ऑलमोस्ट सेट होता है सारा चीज़. लेकिन इस बार क्या हुआ, सर्दियाँ बहुत छोटी रही, बर्फ़ भी कम पड़ी, तो उससे सीज़न में थोड़ा सा चेंजेस आया है, उससे कम से कम 2 वीक का फ़र्क पड़ा है. और जो क्लाइमेट चेंज की वजह से इस बार ऐसा है कि पूरे किन्नौर में 7-7 शेर निकल रहा है. पहले होता था कि हाँ भाई जो लोअर बेल्ट है वो ख़त्म होने के बाद धीरे धीरे करके वो शायद एक गैप के बाद आता था, तो वो चीज़ भी अब शायद बिल्कुल सब कुछ एक साथ ही हो रहा है. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज इन द लास्ट 100 ईयर्स वी स्टार्टेड सीइंग अ लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग इन द
in the landscape, in the practice of livelihoods, in the kind of land use that was being done. And this has happened not just in the Himalaya, it's happened everywhere. But the kind of impacts that we are seeing of this in the Himalaya are very critical. And the obvious indicators of the climate crisis that we see in Himachal Pradesh, the first is the changes in temperature. So it is warming at a very fast rate, as a result of which there is a melt in the snow cover again at a very fast pace. In the last year, the data says 18.5% decrease in snow cover in Himachal, which then directly also impacts the flow of the rivers. In the long run, the deglaciation that is happening, that is the glaciers are receding backwards, that is going to also affect the surface discharge in the rivers. हमारे लिए इतना बेटर है जितने ज़्यादा बर्फ आए, क्योंकि इधर ये जो मिट्टी है ना, ये लाल मिट्टी है, इसमें अगर सूखा पड़ जाएगा ना, फिर बहुत टाइम लगाता है पानी और अपने अंदर लेने में, क्योंकि हार्ड होता है, हार्ड रहता है सब कुछ मिट्टी का। पहले बहुत ज़्यादा होती थी, अब तो सेब सूख भी टूट जाते थे, काफ़ी नुकसान भी हो जाता था। फिर धीरे धीरे जैसे ही नीचे हमारा रोड पहुंच गया गांव में, उसके बाद से मतलब कि एकदम से ही चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया। फिर हमारा यहाँ एक पावर हाउस नीचे लगा हुआ है, एक पावर हाउस यहाँ नीचे वाले गांव में, एक पावर हाउस उससे आगे है, तो कहीं ना कहीं उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट है इसमें, तो बर्फ़ बहुत कम पड़ रही है। The major rivers originating from the Himalayas mainly depend upon the seasonal snow cover for their discharge dependability. The decline in snowfall has led to water crisis to the region, which directly affects the apple crop as it requires ample amount of water for irrigation. On the other hand, a significant rise in temperature is affecting apple cultivation in the region. The warmer climate has reduced the required chilling hours for the crop. According to several media reports, the temperature in the region has risen up to 1.5 degrees Celsius. The climate change has not only impacted the production of the apple, but also hampered the quality of the crop. हमारे जैसे नीचे के एरिया मतलब शिमला डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, उसका भी इफेक्ट रहता है सेबों पे, ड्रॉपिंग ज़्यादा हो जाती है क्योंकि लगातार बारिश रहती है, फिर कलर नहीं आता क्योंकि इसके लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है, कलर भी नहीं आता है। इस साल का जो हमारा प्रोसेस रहा सेब का, इस साल हमारा मौसम उतना अच्छा नहीं रहा, तभी तो ये हाल ऐसे है, बहुत ज़्यादा क्रॉप हो गई है, साइज़ नहीं बन रहा है। इस बार स्टार्टिंग में ऐसा हो गया, जब फ्लावरिंग का टाइम था उस टाइम मौसम सूख गया, मतलब कि बारिश नहीं होती थी, धूप गर्मी बहुत हो गई थी, तो उसके बाद ऐसे ही दो तीन महीने के बाद जैसे ही हमने सोचा कि अब पानी पानी तो आएगा नहीं, फिर बरसात होगी, एकदम से ही एक्सेस ही पानी आ गया, बहुत ज़्यादा ही पानी आ गया, फिर उससे भी कोई वो नहीं है ना, उससे उल्टा नुकसान सी हो जाता है, जैसे सेब में ब्लैकिश वगैरह पड़ जाती है। अगर आपको टाइम से बर्फ नहीं आई, टाइम से बारिश नहीं हुई, मतलब बहुत फर्क पड़ता है इसमें सेब के लिए। जब फ्लावरिंग होती है तब हमें बारिश चाहिए, अदरवाइज सूख जाता है, फ्लावरिंग डैम्प हो जाता है, फिर पूरे क्रॉप खत्म हो जाता है। जैसे फ्लावरिंग सीजन का बात किया हमने, कि शुरू से अगर हम देखें दो वीक का पूरा एक फ्लावरिंग सीजन चेंज हो गया है। जब फ्लावरिंग सीजन चेंज हो गया तो पास ऑन होते होते तक अब हार्वेस्टिंग प्रोसेस तक आ गया, हफ्ते डेढ़ हफ्ते का भी अगर फ़र्क होगा ना, आज वो फ़र्क दो से चार से पाँच दिन का फ़र्क है। ये रीज़न, इसके पीछे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि क्यों हो रहा है ये ऐसा यहाँ पर, वो किससे, ये सवाल किससे किया जाए। तो जो हम अगर अपने आप से करें तो हमको समझ आता है कि शायद क्लाइमेटिक जो चेंजेस हो रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जैसे कि अचानक से सूखा हो जाना या पानी का पर्याप्त नहीं होना। जो किन्नौर का कुछ हिस्सा है वो, वहाँ बारिश सही होती है तो हरियाली ज़्यादा है, कुछ हिस्सों में कम है तो सेमी एरिड में है, कुछ ऐसा है कि पूरा एरिड है, तो उसमें डिफरेंसेस ये है कि कई जगह में फ्लड इरीगेशन होता है, जैसे हमारे यहीं एग्जाम्पल लेता हूँ, फ्लड इरीगेशन होता है तो इरीगेशन से हम कंपनसेट कर लेते हैं, बारिश ना भी हो तो भी ऑलमोस्ट हो जाता है, लेकिन बारिश होती तो उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आता है। पानी अगर कम रहेगा तो इतना ग्रोथ नहीं आ पाता, सेब की साइज और कलर में थोड़ा सा फर्क रहता है, तो उससे थोड़ा सा क्वालिटी में इशू है। अगर पानी जितना सही ठंडा होगा तो इसका क्वालिटी सेब का और बेटर रहता है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है।
ये आप देखेंगे कूल है, तो इसमें हम चैनल बना के पानी को अपने खेत तक ले जाने के लिए लाते हैं। आज के टाइम में इसे सीमेंटेड बनाया गया है, लेकिन पहले ये सिंपल होता था कि हमने एक चैनल बना दिया है, उसमें से पानी को ले जा रहे हैं और खेतों तक पहुंचा रहे हैं। नागस का जो कंसेप्ट रहता है, हम इसे एक स्पिरिचुअल बींग की तरह मानते हैं। तो जब पानी लगाना शुरू करना होता है खेतों में, तो उससे पहले पूजा होती है नागस छोन्निक के नाम से हम उसे कहते हैं। जहाँ जहाँ सोर्सेस हैं वहाँ पर आते हैं, बौद्ध भिक्षुओं को लाते हैं और अपने तरह से पूजा पाठ करके उसके बाद इसका पानी चलाया जाता है और खेतों में लगाया जाता है। कूल और नागस का एक अलग कंसेप्ट है, नहर का अलग कंसेप्ट है। जो हम किसी ग्लेशियर से पानी लाते हैं तो नहर के थ्रू लाते हैं, यहाँ पर भी नहर का पानी इसमें मिलाया जाता है ताकि पानी की क्वांटिटी में थोड़ा बढ़ावा हो। रिकॉन्गपी में जहाँ मेरा लैंड है, वहाँ हम जब कल्टीवेशन करते तो आपको पानी दिया जाता है। जो पानी का टाइम पीरियड होगा वो आपको आपके लैंड के हिसाब से दिया जाएगा। तो मुझे मिलता है 12 घंटे का टाइम पीरियड, तो यानी मान लो अगर मैं आज 5 बजे पानी डाल रहा हूँ रात को, सुबह 5 बजे तक वो जो पानी है वो मैं ही डालूंगा, मेरे परिवार में वो पानी को शेयर किया जाएगा। आज टाइमिंग तो 12 घंटे की है नो डाउट, पर अब क्या हो गया है, हमने फैमिली में ब्रदर्स ने उसको 4-4 घंटे, मान लो पहले 4 कूल पानी मिलता था 12 घंटे के लिए, 4 परिवार एक ही साथ लगा रहा है पानी, पर अब क्या हो गया वो 4 परिवार उसको 6-6 घंटे बांट रहा है, 2 कूल को इकट्ठा करके 1 कूल बन रहा है, यानी पानी की इतनी कमी हो गई है। तो इमेजिन करो कि जो छोटा किसान है जिसको 1 घंटे पानी मिलता था या जिसको आधे घंटे पानी मिलता था, हम 12 घंटे पानी लगाते थे हमारे को तब खेतों में पानी नहीं पहुँच पाता था, पर आज हम 6 घंटे लगा रहे तो कैसे हो सकता है कि पानी मिल रहा होगा। तो ये पानी की कमी क्यों हो रही है यहाँ पर, जबकि हिमाचल के सबसे ऊंचे पहाड़ हमारे पास है, सबसे बड़े ग्लेशियर के सोर्सेज हमारे पास है। जो ओवरऑल चेंज हुआ जलवायु परिवर्तन में, जो चेंज हुआ है उसका जो असर है वो हर चीज पे है, वो वनस्पति पे भी है, पानी पे भी है, और वो पूरा आपका जो मौसम का चक्कर है उसमें भी है। तो जब वो पूरा असर है तो हमारे जो वाटर बॉडीज थे वो भी सूखे हैं, उनमें जो सोर्स से जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ भी पानी कम हुआ है, वो डाउन गया है, उसका वाटर टेबल डाउन गया है। फिर दूसरा जो डिमांड साइड है वो बड़ी है। आज से 30-40 साल पहले वहाँ नलके जो थे वो थे 15-15, है ना, अब हो गए 65। तो एक तो जो डिमांड है वो बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई, तो उस वजह से भी क्राइसिस बढ़ा है। When you see rainfall in the mountains, you don't look at only monsoons. You look at snow precipitation also. So there's a decrease in the snowfall. There's a decrease in the rainfall also. What has happened is there's a change in the pattern of the rainfall. So there are a lot of shifts that are happening. Like now, this is directly these changes that are there, whether it is decrease in surface water, decrease in groundwater. So the Niti Aayog did a study on springs in Himachal Pradesh, and they found that not just in Himachal but across the Himalaya, they found that there is a decrease in the discharge in the springs as well. And springs play a very important role. They provide drinking water in many areas, especially in the higher Himalayas. If you look at all these impacts put together, and of course the disasters I was talking about, so if you are going to have a rapid change in temperature and you want to have deglaciation, one of the things that you are seeing is flash floods. Suddenly you will have a lot of ice that melts. You'll have an avalanche or something, which will then lead to, in the downstream, it leads to flash floods. This floods means that, you know, everything that is around will get damaged, roads will get damaged. And then that disrupts life. So in Kinnaur, for instance, or in Lahaul Spiti, if the road is damaged, then you can't get the harvest out. There's been a change in the farming patterns. And there's a change in the land use pattern. So you'll see that a state that was not so urbanized is now moving towards urbanization. There's more concretization. You are seeing highways expansion and four-laning. So you're seeing a lot of erosion, a lot of deforestation, a lot of slope destabilization that is happening. When you build tunnels, whether it is for highways, big highways, or you build it for hydropower projects,
you're doing underground excavation. What underground excavation does is it makes the area geologically unstable. Climate change global level पे तो है ही, लेकिन जब हम एक छोटे area के scenario में देखते हैं तो कई indicators ऐसे होते हैं जो हमारे area के peculiarness को बताते हैं. जैसे northeast region में, छोटे से region में चिलगोजा होता है. चिलगोजा बहुत sensitive है, एंडेंजर स्पीसीज है, पूरे इंडिया में भी कहीं नहीं है किन्नौर के छोटे से पार्ट में. वो चीज़ हमारे एरिया की सेंसिटिविटी को बताता है. जब हमारे एरिया में एक्सेसिव ह्यूमन एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे डैम बन रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो उससे कई चीज़ों में बदलाव आ रहा है. जैसे आपको पता है कि हाइड्रो में टनलिंग होती है ज़्यादातर, तो उससे लैंडस्लाइड्स का इशू आ रहा है. और जो हमारे स्प्रिंग्स हैं, तो ज़्यादातर एरिया में ऐसे कि स्प्रिंग से पानी निकलता है, तो कहीं ना कहीं वो भी पानी भी सीप कर जाता है उससे. तो हमारा एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे कच्छम वांगटू, तो उसमें एक डाटा आया था कि 160 के अराउंड नेचुरल जो स्प्रिंग्स है, वाटर स्प्रिंग्स, उसको डैमेज हुआ है उसमें. कईयों में मतलब 35 के आसपास तो बिल्कुल पानी ख़त्म हो गया, और बाकी जो बचे हुए हैं 160 में से, उसमें पानी का कमी आ गया. तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं फिर एग्रीकल्चर को इनडायरेक्टली डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है. हमारी जो हाइड्रो पावर अगर ये रुक जाए तो काफ़ी हद तक जो क्लाइमेट चेंज होने का जो रीज़न है वो काफ़ी हद तक मतलब सॉल्व हो जाएगा. मेन रीज़न तो यही है जो अभी प्रोजेक्ट्स लगे हैं जिससे ऊपर को लगते आ रहे हैं, मतलब उसी की वजह से काफ़ी हद तक नुकसान है. बाकी आने वाले टाइम में तो 80 तैयार कर रहे लोग, ये तो बढ़ना ही है, मतलब डिपेंड करता है क्लाइमेट पर. अगर क्लाइमेट सही रहा तो बढ़ता रहेगा. The Himalaya, as we know, are in terms of their geology, they're very sensitive and complex. So the rock is sheared, it's layered, it's fractured, it's prone to seismic activity. It's very earthquake prone. So if you look at a place like Kinnaur, for instance, or Lahaul, for instance, these are all in zone 5 as far as earthquake proneness is concerned. Now in such areas, if you're going to have a lot of erosion, if you're going to have a lot of tampering with the landscape, then that landscape is more susceptible to damage. So it's very easy to say, "Arey, ye climate change ki wajah se ho raha hai." What is actually happening is that there is a land use change, which exacerbates the impact of climate change. जब dam built होता है तो एक area ऐसा हो जाता है कि जहाँ पे पानी ज़्यादा हो जाता है, जब reservoir बनता है, तो उससे आगे का पानी सूख जाता है. तो वहाँ पे भी दो तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, एक माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट कर रहे हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं बदलाव आता है. ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो उससे भी स्कैब जैसी बीमारियाँ, कुछ बीमारियाँ जो है सेब से रिलेटेड, वो आना चालू हो जाता है. और जहाँ पे एडिट हो जाता है फिर वहाँ पे भी कुछ ना कुछ चेंजेस आने लगते हैं. तो इस तरह से हाइड्रो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं, लैंडस्लाइड की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ रही है. Apple is a blessing for the people of Himachal Pradesh, as the diverse agroclimatic conditions, topographical variations, altitudinal differences, coupled with fertile, deep and well-drained soils that favors the cultivation. हमारे को तो अब पहले से ही ऐसा ही क्लाइमेट ऐसा ही है, मतलब सेब भी उस हाइट का लगाया ना, फिर इसके लिए बर्फ तो चाहिए. अब बहुत कम बर्फ आती है, अब हार्डली 2-3, 3-4 फुट तक आ जाती है. पहले यहाँ पे 7-8 फुट बर्फ आती थी, अब नहीं आती, अब 2-3 फुट से ज़्यादा नहीं आती है. अब इतना चेंज हो गया ना, जब हम छोटे छोटे होते थे ना तो ये यहाँ तक, जैसा ये मेरा घर है, इतना बरांडा है, इतनी बर्फ पैक हो जाती थी, हम लोग बाहर नहीं जा पाते थे. पहले उतनी मतलब कि केयर नहीं करते थे ना, मतलब वही कहने का मतलब है, हमारे पास सेब तो है पर चलो हमारे को पता नहीं था उस चीज़ के बारे में, नॉलेज नहीं थी उतनी कि हमारे को चीज़ डालनी पड़ेगी कि नहीं डालनी पड़ेगी, कि ज़रूरी है या नहीं है. अगर हमारे को ज़रूरी है डालनी तो डालनी पड़ेगी. अब कोई बीमारी लग रही है उसको रोकने के लिए तो स्प्रे करनी ज़रूरी है, नहीं तो फिर फैल जाएगी, फिर सारी क्रॉप ख़त्म हो जाएगी. इसीलिए स्प्रे करना भी ज़रूरी है, मेंटेन रखता है सेब को. स्प्रे बहुत से फैक्टर्स को देखते हुए की जाती है. If you want to provide nutrition to your plants, you can provide it by foliar application. आप directly spray कर सकते हो plant में micronutrients की, macronutrients की, whatever you can use. अगर आपको कोई किसी fungus को eradicate करना है plant से, उसको भी eradicate करने के लिए you can go with fungicides. अगर किसी pest को eradicate करना है, you can go with the pesticides. Earlier we used to do the sprays only on need base. तो सर्दियों में बर्फ ऐसी कम पड़ती है, तो पहले spray इतने होते नहीं थे. दवाइयाँ कम लगती है, दो ज़्यादा दो या तीन स्प्रे करते थे, अब तो स्प्रे भी बढ़ गए हैं, कम से कम 6-7 स्प्रे करना पड़ता है.
लो होते जा रहे हैं क्वालिटी ना, पहले ठीक था सप्रे भी, अब ज़्यादा सप्रे भी करे अच्छा क्वालिटी के लिए तब भी कुछ लेस हो ही रहा है, पहले तो जो ठीक था कि ऐसे निकलता था कि सही होता था ना, पर अब धीरे धीरे तो साइज प्रॉब्लम आ रहे हैं, कलर प्रॉब्लम आ रहे हैं, पहले काफ़ी हद तक ऐसा सोचना ऑर्गेनिक टाइप में भी था। इस बार ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर, हीट स्ट्रेस की वजह से हमको क्या है, वैसे सॉइल में एडिक्वेट मॉइस्चर तो था जिसकी वजह से प्लांट न्यूट्रिएंट्स को अपटेक नहीं कर पाया, तो आवर प्लान वाज टू प्रोवाइड दीज न्यूट्रिएंट्स थ्रू फोलियर एप्लीकेशन की हम डायरेक्टली स्प्रे करके प्लांट्स को ये सारी चीजें अवेलेबल करवा देंगे। तो उस केस में भी हमको बहुत सी फोलियर एप्लीकेशन करनी पड़ी थी न्यूट्रिएंट्स की, जो कि हम पहले इतनी नहीं करते थे क्योंकि अर्लियर द टेम्परेचर वॉज एडिक्वेट, इट वॉज प्रॉपर, जितना हमको चाहिए होता था उतना ये रहता था। अब लोगों ने स्प्रे वो बढ़ा दिए हैं, फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी है, पहले इतने स्प्रे होते ही नहीं थे, तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है हमारे हेल्थ को, या हम क्या बेच रहे हैं प्रोडक्ट किसी को। जब मैंने कहा कि जो मेरी कंडे की हाइट है जो कॉम्पियो से ऊपर पड़ता है इलाका, तो उधर लगभग 10,000 या 11,000 फीट होगी, ये शायद हमारा इस साल दूसरा सैंपल लगना है, और हमने रेयरली सिर्फ एक स्प्रे किया होना, पर वो भी स्कैप के लिए क्योंकि कई प्रॉब्लम आ रहे थे, पत्तियों में प्रॉब्लम आ रही थी, सेब पे दाग लग रहे थे, सिर्फ एक स्प्रे किया, और क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी थी जिस कारण से हमारे को इन कंपैरिजन ऑफ माय लैंड जो रिकॉन्क्वी में से नियर बाय में है 8,000-9,000 के फीट के आसपास होगा, जहाँ पर हमने नॉर्मली हम 6-7 स्प्रे कर रहे होंगे, यहाँ पर बीमारी आ रही है प्रिवेंशन के लिए अलग, यहाँ पर और जो बीमारी आ रही है उसके लिए अलग। माइट के लिए अर्लियर वी यूज्ड टू डू ओनली 2 स्प्रेस, 2 स्प्रेस से माइट पूरा इरेडिकेट हो जाता था बगीचे से, पूरा गायब हो जाता था, लेकिन इस बारी ड्यू टू हाई टेम्परेचर उसका इंक्यूबेशन पीरियड घट गया, जिसकी वजह से देयर वाज अ हाइक इन इट्स पॉपुलेशन, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, और हमको इसके लिए ऑलमोस्ट अपनी बात करता हूँ तो 5-6 स्प्रेज मुझे इसके लिए करनी पड़ी, तो कहीं ना कहीं वो हमारा जो स्प्रे का कॉस्ट है उसको इंक्रीज कर रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो ड्यू टू दिस क्लाइमेट शिफ्ट इज ऑल टू ब्लेम। हर साल नॉन यूनिवर्सिटी की तरफ से एक पूरी गाइडलाइन इशू होती है ना, प्रे शेड्यूल बोलते हैं जिसको, ये प्रे शेड्यूल्स है उसको आपने फॉलो करना है, पर कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, सरकार हर साल निकाल रहा है और जो निकाल रहा है उसको भी पता है कि मेजोरिटी लोग इस प्रे शेड्यूल को फॉलो नहीं करेंगे, पर कभी ऐसा इनिशिएटिव के लिए बात हुई कि क्यों नहीं हो रहा है या इसको कैसे इंप्लीमेंट कराया जा सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि मतलब जहाँ से मैं आता हूँ इलाके से, वहाँ क्या हो रहा है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से गाँव में कॉल आता है कि इस दिन क्या होने वाला है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से कोई आएंगे, गाँव वाले को इकट्ठा होना है, गाँव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, पैड बढ़ जाता है, एक पेन बढ़ जाता है, मिठाइयाँ बढ़ जाती है, और दैट्स ऑल। नो डाउट कुछ लोग होंगे उसमें जो इस इंफॉर्मेशन को गैदर करके जा रहे हैं यहाँ पर अगर इंटरनेट नहीं आता या अगर यूट्यूब नहीं आता तो आज भी हम ना ट्रेडिशनल खेती कर रहे होते जो हम जमाने पहले कर रहे थे, 20-20 साल के पेड़ है हमारे, 19-19 साल के हमारे वाइल्ड के पेड़ है, वो सारे मर रहे हैं, जो मेन पेड़ था आपका जिससे आपके लिए 20-20-30-30 सेब की पीटियाँ निकल रही। मेरे अपने लैंड में कंटिन्यूसली 4 पेड़ एक ही खेत में चले गए, और इमेजिन करो कि कम से कम मेरे को 250 एक पेटी का नुकसान हो रहा होगा, बड़े बड़े पेड़ होंगे अगर उनका फुल प्रोडक्शन लेता हूँ मैं ऐसा, तो उस पर बात नहीं हो रहा है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट्स है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है, वो इंस्टीट्यूट्स नो डाउट है, पर वो क्या इंस्टीट्यूट इतने फिजिबल है कि क्या एक कॉमन मैन तक वो लेमन लैंग्वेज में वो नॉलेज पहुँच पा रहा है। The high value fruit supports over 2 lakh families in the state, making it one of the major cash crops. Apple may be a seasonal fruit, but it is a year-long investment for the farmer living in this region. Apart from the investment part in apple cultivation, it requires time, energy, and immense amount of hard work. सर्दियाँ खत्म हो जाती हैं, तो उस टाइम प्लांटेशन करते हैं। ये मान लो आप फरवरी मार्च इस आसपास प्लांटेशन करते हैं, उसमें सारा कुछ पानी चलता है, खाद चलता है, तो इस तरह से वो चीज़ें चलती रहती हैं। फिर वो कुछ साल बाद प्रोडक्शन पे आता है, उसमें प्रूनिंग करना पड़ता है साल में, उसमें स्प्रे करना है, उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। पानी लगाने में तो आपका पैसा कोई इन्वेस्ट नहीं हो रहा, आपको टाइम देना पड़ रहा है। कई जगह ऐसे जहाँ पर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, वो बारिश पर डिपेंडेंट है, और आप उसमें गुड़ाई कर रहे हैं, तौलिया कर रहे हैं, घास कटाई कर रहे हैं, आप उसमें मल्चिंग कर रहे हैं। अब उस पर ये जो कॉस्ट है या फिर प्रोसेस है उस पर डिपेंडेंट है कि आप क्या क्या चाहते हैं, किस तरह से आप करना चाहते हैं, उसमें कितना टाइम देना चाहते हैं। कई लोग बहुत से टेक्निक अपनाते हैं उसमें, आपका एरिया एरिड है तो आप उसमें मल्चिंग करेंगे, पानी को कैसे नमी बनाए रखना है उसके लिए अलग अलग तरीके यूज़ करेंगे,
अगर कईयों के पास इतना मतलब पैसा है इन्वेस्टमेंट के लिए चीज़ें हैं, तो कईयों ने ड्रिप इरिगेशन पे चले गए हैं। वो ड्रिप में भी कई तरीके हैं कि छोटे स्प्रिंकलर्स लगाए हैं बिल्कुल जो पौधे के पास लगाए हैं, किन्होंने कईयों ने रेन गन लगाए हैं बड़े, ताकि वो पानी मतलब टाइम टाइम पे ऑटोमेट होता रहे। तो उस तरीके से अगर सेब ज़्यादा है तो आप थिनिंग भी कर सकते हैं। तो टेक्निक्स तो बहुत सारे हैं, इतने हैं कि आप पूरे सीजन बिजी रह सकते हैं उसमें। फिर इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से आप क्या क्या टेक्निक अपनाना चाहते हैं। जैसे अभी हमारा सीज़न क्लोज हो जाएगा, अभी से ही शुरू हो जाता है हमारा प्रोसेस। जैसे अभी हम फसल तोड़ेंगे, उसके बाद से हमारे को स्प्रे करनी पड़ती है। स्प्रे करने के बाद उतने में सर्दी आने लगती है। सर्दी आने से पहले हम इस पौधा है ना, इसके चारों तरफ राउंड राउंड शेप में एक तौलिया देते हैं, इसको शेप देते हैं, मिट्टी को ठीक करते हैं, प्लेन करते हैं अच्छे से, ताकि वो नमी अच्छे से अंदर जाए जड़ों में, इसलिए उसको तौलिया बनाते हैं। फिर उसके बाद कटिंग का सीज़न आता है, फिर कटिंग होती है। फिर उसके बाद फरवरी मार्च से हमारा ग्राफ्टिंग का काम शुरू हो जाता है। जैसे नए पौधे लगाए हैं, पाल्टी लगाई है, उसमें ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है। उसके बाद सेब में फिर सेब चढ़ता है, धीरे धीरे पत्ती आती है, फिर साथ में फ्लावरिंग होती है। और फ्लावरिंग के समय हमारे को स्प्रे वगैरह दवाइयाँ डालनी पड़ती है, उस टाइम भी ज़रूरत पड़ती है दवाइयों की, ताकि जो आगे फ्लावर आएगा उसमें इन्फेक्शन ना हो, ताकि जो फ्लावर है अच्छी क्वालिटी का बने और सेब भी उसी प्रकार से अच्छा बन जाता है। फिर आपका जब हार्वेस्ट करना है तो उसमें क्या क्या खर्चे हैं? अब जैसे मार्केट पहुंचाने के भी कई ऑप्शन है, अगर आपको आइडिया है कि इस खेत में कितना कर पेटी निकलेगा, तो वो ठेकेदार डायरेक्ट आएगा आपको बोलेगा कि हाँ मैं इतना, ये आपका इतना प्रोडक्शन होने वाला है, मैं इस हिसाब से लूँगा करके। आपका कोई खर्चा नहीं है उसमें, आप बस आपको डील करना है, वो उसके बाद तो सारा खुद देखेगा। अब आपको जब प्रोडक्शन पे आना है तो आपको पेटी का खर्चा है, कार्टन है उसमें, उसके बाद उसमें जो ट्रे है उसमें क्लिप्स हैं, मतलब बहुत चीज़ें लगना है, तो वो चीज़ें सारा कुछ लाना है, उसमें भी खर्चा है। अब जैसे इस बार पर्टिकुलर कार्टन में के खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, पहले से काफ़ी बढ़ गया। जैसे नॉर्मली पिछले साल तक जो कार्टन के अंदर ट्रे लगते हैं वो 500-550 के आसपास थे, तो इस बार सीधा 800 तक पहुँच गया, तो वो भी कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ गया। तो इस तरह से अब जब हार्वेस्ट हो जाता है, उसके बाद बेचने के लिए अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, सड़कें आपके नज़दीक नहीं है, तो आपको कैरेज का खर्चा अलग से पड़ता है। अब यहाँ तो हाइट थोड़ी ज़्यादा होगी ऊपर की, और जितना ऊपर आएंगे हम उतना ज़्यादा रेट चढ़ता रहता है। एक क्विंटल जो है उसका 80 रुपये दे देंगे या 90 रुपये दे देंगे, कुछ भी दे देंगे। अब अगर यहाँ से एक क्विंटल ले जाएंगे तो उसका रेट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने वो नीचे वो बनाया था, स्पेन लगाया है, वो थोड़ा दूर है, पर अगले साल शायद नीचे से एक और लगेगा ऊपर के लिए, फिर और ईजी हो जाएगा। बाकी प्रोसेस तो सेल्फ ले जाते चक्के, अब स्पेन लग गया है, अब थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। हाँ, जिस हिसाब से मतलब पहले का सेब जो पहले लगता था सेब 500-600 रुपये पेटी, अब तो इस साल तो ऐसा हो गया, नीचे गांव में मशीन लगी है और वहीं पे जो बाहर से ठेकेदार वगैरह आ रहे हैं ना, वो वहीं पे ले रहे हैं 1200-1300 रुपये। गांव वाले के लिए ठीक है, यहाँ से नीचे ले कर जाओ ढो के फिर वहीं पे बेच दो और बेटर है, क्योंकि अगर वहाँ से आगे ले जाना फिर गाड़ी का किराया, फिर ले जाना है वहाँ तक, फिर आना जाना, उसमें दिन भी कम लग जाता है, पैसा भी खर्च हो जाता है। हमारे लिए ये बेटर है, इस बार ही हुआ है कि यहाँ पे मशीन लगी है और यहीं पे आ रहे हैं लेने के लिए, नहीं तो मंडी ले जाते हैं। एक हमारा ग्रुप बना हुआ है ना, फार्मर ग्रुप, तो हमने इस बार मशीन लगाया हुआ है यहाँ पे। इसमें मशीन में ऐसा आ गया ना, ग्रोवर्स का सिर्फ एक क्रेट में सेब निकालते हैं तो यहाँ पहुँचा के देते हैं, बाकी हमारा होता है पेटी, हमारा ट्रे, हमारा तोड़ान वाले भी हम ही प्रोवाइड कराते हैं, तो उसका ऑल ओवर मिला के मतलब 200-230-240 तक चला हुआ है रेट सब जगह। पेटी जो 40-50 का है, मतलब ऐसे क्रेटों का आपका मशीन का लेके धूम राम जो भी है उसमें खर्चा 5 लाख मिनिमम इतना आ ही जाएगा। आपको स्टार्ट करना है, पहला साल लगाना है आपने, 5 लाख तक आ जाएगा आपका खर्चा। जब मशीन आता है तो मशीन में ऐसा होता है कि एकदम से सेब आएगा वहाँ पे और कम से कम दिन में 100-200-300 पेटियाँ, और अगर मशीन बड़ी है और लोग ज़्यादा लगे हैं तो उससे भी ज़्यादा एक दिन में सेब निकलना चालू हो जाता है। उससे भी शायद कहीं ना कहीं मार्केट में स्टैग्नेशन का दिक्कत आ रहा है, मतलब गाड़ियाँ भी शायद सेम डे पे ही बहुत सारी निकल रही हैं। जनरल जो ऑब्जर्वेशन है वो तो मतलब मार्केट डाउन ही है इस बार लास्ट ईयर से, बट हम पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि हाँ कि मार्केट इतना डाउन हुआ है उतना डाउन हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो शायद क्वालिटी पे भी है आपका, क्योंकि आप एक बेटर क्वालिटी का सेब ले जाएंगे जो डिमांड में है तो उसका प्राइस आपको मिलेगा ही, लेकिन जो एज यूजुअल चल रहा था उससे डाउन ही है इस बार मार्केट।
हमारे को पूरा लॉट दिखाना पड़ता है कि एक एक पर्टिकुलर बगीचे से निकला तो उसमें ये क्वालिटीज आई है। अगर आप एक सेपरेट ले जाओगे तो वो कहीं ना कहीं कहेगा कि इसमें तो सारा उस तरह का प्रोडक्शन है, थोड़ा सा लॉट हमारे को बनाना ही पड़ता है मार्केट के लिए। थ्रूआउट द ईयर ऑल द फार्मर्स, नॉट ओनली अबाउट मी, ऑल द फार्मर्स आर इन्वेस्टिंग देयर वैल्यूएबल टाइम, देयर मनी, देयर एनर्जी। जिसके अंदर पोटेंशियल नहीं है वो भी बेचारा कहीं ना कहीं अपना मतलब 110% दे रहा है कि कहीं ना कहीं मेरा भी अच्छे से एक बगीचा एस्टेब्लिश हो जाए, मैं भी कहीं ना कहीं से कुछ करूं, कुछ प्रोडक्टिव करूं, मुनाफा मुझे भी हो। इस साल अगर हम बात करें, लेबर कॉस्ट इज गेटिंग इंक्रीज्ड। कार्टन की अगर मैं बात करता हूँ, जो आपका जो ये गत्ता है जिसमें हमारे एप्पल को, एप्पल बॉक्सेस, एप्पल कार्टन जिसमें सेब को भरा जाता है, जिसमें उसको मार्केट किया जाता है, उसका कॉस्ट भी बढ़ गया है। अर्लियर इट वॉज 65, नाउ इट इज 85, बहुत ज्यादा ये बढ़ गया है हमारे वहां पे। और जब हम इसको हार्वेस्ट करके मार्केट करते हैं, अगर तो कोई फार्मर लोअर एल्टीट्यूड में इसकी फार्मिंग कर रहा है, एप्पल फार्मिंग, ही इज फेचिंग गुड प्राइसेस, उसको अच्छे रेट्स मिल रहे हैं। लेकिन टॉकिंग अबाउट द मिड एलिवेशन, द हायर एलिवेशन एंड द अपर हायर एलिवेशन, जब हमारा सेब मार्केट में आता है उस समय तक मार्केट में क्या है, बहुत सा सेब आने लग जाता है, जिसकी वजह से इवन द गुड क्वालिटी, सुप्रीम क्वालिटी एप्पल्स आर नॉट फेचिंग द गुड प्राइसेस एज व्हाट द फार्मर्स आर एक्सपेक्टिंग। यहां पे हमसे ए ग्रेड को उतने अच्छे रेट में नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जो बी ग्रेड है, हमारा सी ग्रेड है, वो तो भूस के भाव बिक रहा है, उसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। दैट्स पीएमसी, हिमाचल प्रोड्यूस मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, दैट इज टेकिंग बी ग्रेड एंड सी ग्रेड फ्रॉम अस इन वेरी लेस प्राइस, दैट इज अराउंड 8.5 or 9 rupees पर केजी। सो आई डोंट थिंक, डोंट बिलीव अवर बी ग्रेड डिजर्व दैट, क्योंकि हमारा बी ग्रेड उतना बी ग्रेड भी नहीं है। हम उनको कोई सड़ावा सेब या कोई ऐसा रॉटन एप्पल नहीं दे रहे हैं कि वो इतना भूस के भाव उसको खरीद रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि फार्मर्स के साथ लूट की जा रही है। मार्केटिंग चैनल्स की बात करूँ तो मैं ये इसमें एक चैनल पे डिपेंड नहीं करता, एक फार्मर्स है वो एक एपीएमसी में फूड को लेके आएगा या ओपन कहीं भी बेचेगा, एपीएमसी में आपका एक आढ़ती जिसे हम कहते हैं मिडल मैन वो रहेगा, मिडल मैन भी आगे जो बड़ी मंडीज में उसमें उसका एक एजेंट रहेगा, उसे सेल करेगा, जो एजेंट है वो बड़ी मार्केट में जाकर लोकल जो वहाँ उस एरिया के कोई रेडी वाले है, कोई नॉर्मल फूड सेलर है, उस तरह से वो सेल करेगा। तो इसमें मुझे लगता है कि 10-12 लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो ये छोटा प्रोसेस नहीं है अगर हम एक मार्केटिंग चैनल की बात इसमें करते हैं, तो ये सभी के ऊपर डिपेंड है कि बट एंड कंज्यूमर इसमें ज़्यादा मतलब कंसर्न रहता है कि वो किस तरह का फूड हमसे चाहता है या क्या डिमांड है। तो ये प्लेन्स में जाएगी या लोअर एलिवेशन में जहाँ पर एप्पल का कोई नामो निशान नहीं है, वहाँ पर इसकी सारी डिमांड रहती है। तो अगर वो लोग इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते, वो लोग डिमांड नहीं करते, तो नो डाउट हमारे प्राइसेस हाई रहेंगे नहीं, हम कितना भी उसमें कोशिश कर ले तो हमारे प्राइसेस हाई रहेंगे नहीं। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इसमें कंसर्न करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट एक तरह से एक ताल में बिठा सकती है जो कि एपीएमसीज है या फार्मर्स के बीच में, कि मिनिमम जब तक स्पॉट प्राइस सी ग्रेड का तय नहीं होगा एपीएमसी में कि कितना हमारा सी ग्रेड का प्राइस रहेगा, क्योंकि ऊपर के ग्रेड्स तो जाते हैं। अगर मैं प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स हूँ, कोई अच्छे तरीके से फार्मर है जो एप्पल को ग्रो कर रहा है, वो तो एक अच्छी क्वालिटी लेगा, वो नो डाउट किसी भी हद तक जा सकता है, वो वाटर का मैनेजमेंट भी करेगा, पर्टिकुलर ड्रेनेज इरीगेशन की फैसिलिटीज भी वो करेगा, प्रोवाइड करेगा, वो जो भी ऑपरेशन होगा वो फर्टिगेशन करेगा, हर चीज़ है, वो अपने लिए प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकता है, ए ग्रेड का वो माल अच्छा बना सकता है। तो सरकार को ये करने की ज़रूरत है इसमें कि वो लोग एक सी ग्रेड का एक मिनिमम प्राइस सेट करें कि इतने से ऊपर जाएं, हायर कहीं तक भी जा सकता है, वो आपकी क्वालिटी के ऊपर बेस्ड करता है। क्योंकि अगर मैं मेहनत अपने ऑर्चर्ड में कर रहा हूँ, अच्छा प्रोग्रेसिव ग्रोवर कर रहा है, तो वो तो चाहता है कि उसे हायर प्राइस ही मिले, वो मिलते हैं नो डाउट, वो किसी तरह से वो एपीएमसी में नहीं बिकता तो वो बड़ी मंडियों में जाएगा, बड़ी मंडियों में ही जाएगा, वो किसी कॉर्पोरेट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके वो अपने प्रोड्यूस को बेचेगा, वो तो कुछ भी करके बेच रहा है। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ एप्पल्स ग्लोबली, and Himachal Pradesh contributes roughly 1/3 of the total production. 70 peti ka lote ji, 4 large, 7 medium, 14 small, 16 extra small, 9 peti, 240, 15 separate ji, 7 peti, 7 layer hai. Le uthao. 1000 rupiya ji, 1100 rupiya ji, 1200 rupiya ji, 1200 rupiya ji, 1250 rupiya ji, 1300 rupiya ji, 1300 rupiya ji. 1300 रुपया जी, 1300 रुपया जी, एक पेटी और लाओ, एक पेटी और लाओ, लाओ लाओ नीचे से पट्टो नीचे से, 1400 रुपया जी, 1450 रुपया जी,
1450 रुपया जी 1500 रुपया जी 1550 रुपया जी 1550 रुपया जी 1550 रुपया जी 1600 रुपया जी 1600 रुपया जी जाए जी 1600 रुपया जी 1000 रुपये नेट करो भाई 72 पेटी। मेरा नाम प्रवीण नेगी है। बेसिकली मैं एक किसान परिवार से संबंध रखता हूँ। तो 2019 में हमने यहाँ पे अपनी आर्थ शुरू की थी जब कोरोना था। तो उसके बाद अभी तीसरा साल हो रहा है हमारे को यहाँ पे आर्थ का काम करते करते। तो अच्छा, अब क्या हो रहा है कि किसान अपना सेब तोड़ता है, अब मशीनों से भी पैकिंग होता है और मैनुअली भी पैकिंग होता है। दिन में जितने मान लो 100 पेटी तोड़ दिए, 50 पेटी तोड़ दिए, पैकिंग करके यहाँ पे मंडी में लाते हैं और मंडी में लाने के बाद हम उसको ऑक्शन करते हैं। तो हम यहाँ पे अपना कोई लॉट निकालते हैं। कोई किसान मान लो 100 पेटी लेके आता है, अपने लॉट लगे होते हैं कि एक लॉट के कितने, 80 है, 90 है। तो हम उस लॉट को खोलते हैं और ओपन बोली लगाते हैं। तो जिस खरीदार को जितने में वो चाहिए होता है, जहाँ तक उसका रेंज होता है, वो अपनी बोली लगा लेता है और वो बोली जहाँ तक जाता है फिर वो हम रेट काट के किसान को दे देते हैं। फिर खरीदार से पैसा हम लेते हैं और हम पैसा आगे ग्रोवर को देते हैं। जहाँ तक पेमेंट का सवाल है, यहाँ पे कुछ आढ़ती हैं जो डेली बेसिस पे पेमेंट कर रहे हैं, कुछ उनके आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे मान लो किसी को चेक इशू करते हो या किसी को बोलते हैं कि हम 3 दिन बाद देंगे या 4 दिन तक। वैसे अभी तक हमारे यहाँ पे कोई ऐसा फार्मर की ओर से कोई कंप्लेंट नहीं आया कि किसी का पेमेंट फंसा है या किसी का पेमेंट नहीं हुआ है। APMC एक्ट बोलता है कि अगर किसान का पैसा फंस गया तो उसके लिए हम यहाँ पे एक SIT गठित कर रखे, जो हेडक्वार्टर हमारे जो APMC का जो मेन ऑफिस है दिल्ली में बैठते हैं, वहाँ पे SIT हमारी गठित है। जैसे हमारे पास कंप्लेंट आते हैं हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं SIT को। जो तो बड़े ग्रोवर है वो तो 4-5-7 दिन में अपने पूरी गाड़ी भर के एक LP करके 400-500 बॉक्स लेके दिल्ली जाते थे, वो बेच के आते थे। अच्छा, जो छोटे जो किसान होते थे उनके लिए इतना ईजी हो गया है कि वो चाहे 20 बॉक्स है, चाहे 40 बॉक्स है, चाहे 100 बॉक्स है, दिन में तोड़ के शाम को या अगले दिन सुबह यहाँ आके बेचते हैं। तो सबसे ज़्यादा फायदा तो उनको पहुंचा है जी। तो मिनिमम यहाँ पे आज के डेट में, आज का लेटेस्ट है 1800 फिर भी बिक रहा है। और जितना भी हमारे पास स्मॉल बॉक्सेस होते हैं 10 किलो से 12 किलो के बीच के है, ये कोई 1000 से 800 के बीच में यहाँ पे भी बिक रहे हैं अभी भी। अब हम उसको बिडिंग करने से पहले हम डिटेल देखते हैं जी, इसमें साइज़ देखना पड़ता है कि इस डिटेल में छोटा दाना कितना है, बड़ा दाना कितना है, और वेट देखना पड़ता है, आइडिया लगाना पड़ता है, और क्वालिटी के हिसाब से जी। अगर जो अच्छे क्वालिटी का होता थोड़ा हम ऊपर से बिडिंग करते, और बी ग्रेड या कोई ख़राब दाना होता तो हम उसको नीचे से बिडिंग शुरू करते हैं। अगर हम बाहर के मंडियों में ले जाते हैं, जैसे हम दिल्ली ले जाते हैं, दिल्ली में इसका रेट अलग होता है। जैसे लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल तक एक जाता है, उसके बाद कम से कम 600-700 रुपये का डिफरेंस ले आ देते हैं पिट्टू में, जो हमारा ग्रेड होता है, जो 5 लेयर होते हैं, 6 लेयर होते हैं, उसका रेट कम हो जाता है। यहाँ से जो अदानी, जो लदानी उठाएंगे वो आगे जाके छोटे छोटे ठेलों को देते हैं, वहाँ बिकेगा, वहाँ से पैसे कलेक्शन होगा, तभी यहाँ आड़तियों को पैसे मिलता है। ये होता है इसका रेट, नहीं ये चैन होता है। एक बॉक्स का खर्चा यहाँ से अगर आपने बॉम्बे ले जाना है तो 400 रुपये खर्चे लगेंगे। अगर ये बॉक्स यहाँ पे 2000 का बिक रहा है तो वो 400 प्लस वहाँ 2400 बिकना चाहिए। तो वो अपना आइडिया लगा के फिर वहाँ तक बीट लगा देता है कि मैं वहाँ पे इतने में बेच पाऊँगा। जहाँ अपना रेंज इनका पूरा हो जाता है फिर वो छोड़ देते हैं, फिर जो लास्ट जिसकी बोली होती है हम उसको माल दे देते हैं। जो अभी अर्ली सीजन में अभी जो लोअर एलिवेशन के जो सेब जा रहे हैं, तो अभी तो 100% मैक्सिमम सेब सारा रनिंग मार्केट के लिए जा रहा है। यहाँ से खरीदार लेके जा रहे हैं और अपने शॉप्स है या अपनी मंडी है वहाँ पे आगे छोटे वेंडर्स को देते हैं, चाहे ठेले वाले हो, चाहे अपने लोकल वेंडर्स जो होलसेल वाले होते हैं, उनको 20 पेटी 40 पेटी के हिसाब से अभी बेच देते हैं। तो जैसे ऊपर का हाइट के माल आने शुरू हो जाते हैं तो अक्टूबर में मैक्सिमम, जैसे कोई अपनी खरीदार देखता है कि मेरे को कितना माल स्टोर करना है, तो अपने हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से कोई 5000 कोई 10000 वो स्टोर भी डालते हैं और रनिंग के लिए भी बेचते हैं। आज के डेट में है सब जगह से इतना प्रोडक्शन है कि डिमांड थोड़ा कम हो गया है। इस वजह से जैसे जैसे उनको पता चलता है कि हमारा डिमांड देश में कहाँ कहाँ है, जैसे हमें मुंबई में हुआ, कोलकाता में हुआ, चेन्नई में हुआ, सब जगह का अलग अलग डिमांड होता है। तो वहाँ पे डिमांड फुलफिल हो रहा है तो आपका नेचुरली उसका डिमिनिशिंग हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, उसका रेट कम हो जाता है। ये किसी के हाथ में नहीं जी रेट का। अगर मैं चाहूँ कि मैं किसी फार्मर का सेब ज़्यादा बेचूँ, ये पॉसिबल नहीं है जी। ये तो डिमांड एंड सप्लाई है। मान के चलो अगर हमारे पास आज 10 गाड़ियाँ आ रही है, अगर 20 गाड़ियाँ आ रही है तो 10 गाड़ी आएगी तो रेट ज़्यादा मिलेगा, अगर 20 गाड़ियाँ आ गई तो रेट कम हो जाएगा, क्योंकि खरीदारों को तो उतना ही चाहिए। वैसे ही ऑल इंडिया के लगाओ,
अगर मान लो सप्लाई बढ़ गया, डिमांड कम रहेगा, तो प्राइस तो डिक्रीज होगा ही होगा। कोल्ड स्टोरेज होगा तो फायदा, ऑब्वियसली फायदा है कोल्ड स्टोरेज, क्योंकि आप जो अभी सितंबर में माल बिके वो दिसंबर में बेच सकता है, एटलीस्ट दो महीने के लिए तो कोल्ड स्टोरेज में जाता है, तो आपका सितंबर में मिलेगा, कम से कम दिसंबर में वो माल अपने अपने हिसाब से बेच सकता है। मान के चलो कोई 100 पेटी लेके आया, ठीक है, अच्छा किसान को रेट ठीक नहीं लग रहा, वो चाहता है कि मैंने सेब देना नहीं है, आगे भी जाएगा, आगे भी तो मंडी वही है, रेट तो किसान को आगे भी जाके वही मिलना है, हो सकता है 100 रुपये ज़्यादा मिले, यहाँ से पिकअप लोड करके ले जाएगा, नारकंडा ही जाएगा तो 100 रुपये तो किराए में ही चले गया, आगे जाएगा और किराया, तो या 50 रुपये फ़ायदा होगा, नुकसान भी हो सकता है, या यही अगर स्टोर हो तो एक ऑप्शन है, भाई मेरा माल अभी ठीक है, उसको पता है क्वालिटी सेब है और टिकने वाला सेब है, तो स्टोर में जाएगा तो वो फ़ायदा तो होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। लास्ट ईयर क्रॉप शुरू हुआ था यहाँ पे 25 सितंबर के बाद शुरू हुआ, यहाँ पे इस बार अगस्त के बाद ही आपका क्रॉप जो मेन क्रॉप है अगस्त में, मतलब एक महीने आपका शुरू जल्दी हो गया, इस वजह से जो मार्केट है इस बार क्रैश हो गया हुआ। आपका शिमला का प्रोडक्शन, कुल्लू का प्रोडक्शन, कश्मीर का प्रोडक्शन और किन्नौर का प्रोडक्शन एक ही साथ ही आया इसमें ना जी, इससे हमारे को थोड़ा मार्केट में क्रैशेज हो गए, उससे आपको 200 से 400 रुपए का रेट में वेरिएशन आ गया। एक्चुअल में जो अर्ली सीजन आ गया है वो होता है जी ब्लूमिंग टाइम से, जो एप्पल का फ्लावरिंग स्टेज होता है वो इस बार क्या हुआ, जब सर्दियों में बर्फबारी कम हुई, सर्दियों में टेम्परेचर बढ़ गया, तो 15 दिन पहले ही उसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। इस बार क्लाइमेट चेंज हो गया, आपको पता है टेम्परेचर, आपको अप्रैल से लेके जून तक का टेम्परेचर आपने देखा होगा पिछले 40-50 सालों का उसमें सबसे ज़्यादा रहा हो इस बार, इसी वजह से आपका फ्रूट सेटिंग जल्दी हुआ। डे ऑफ फुल ब्लूमिंग से लेके आपका हार्वेस्टिंग का टाइम होता है वो 120 से 125 दिन के बीच का होता है, तो उसमें ऐसा लगा कि इस बार टेम्परेचर काफ़ी हो गया और मेच्योर भी जल्दी हो गया, मतलब टाइम इतना, जैसे कई बार 120 से 130 40 50 तक भी जाता था यहाँ पे किन्नौर में ना जी, जितना हाइट पे जाओगे उतना डे आपका ज़्यादा बढ़ता रहता है, तो मिनिमम आपका 125 से 125 दिन में आपका सेब तैयार होता है, तो इस बार ऐसा है कि टेम्परेचर लगातार कॉन्स्टेंटली बढ़ा रहा, इस वजह से सेब का जो साइज़ है एकदम से हो गया और प्रोडक्शन भी एकदम से जल्दी तैयार हो गया, क्रॉप जल्दी तैयार हो गया, इस वजह से लोगों ने लाना भी जल्दी शुरू कर दिया, क्योंकि आप उसको डिले करते हो, अगर आप क्रॉप को डिले करते हो तो फिर ड्रॉप हो जाता है, ड्रॉप हो जाएगा तो वैसे भी नुकसान हो जाएगा, तो चलो कम रेट में जा रहा है उससे अगर ड्रॉपिंग से ज़्यादा चलो कुछ तो मिल जाएगा यहाँ पे। दो इट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना फॉर ऑल सीजनल क्रॉप्स दैट द प्रोडक्शन इज अफेक्टेड एवरी ऑल्टरनेटिव ईयर, बट इफ वी लुक इन टू डेटा, Apple production in Himachal Pradesh has been gradually declining since 2010. According to the State Horticulture Department, last year the state had produced 611,901 metric ton apples.